नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सांसों पे संकट बनकर के आया कोरोना के इलाज के लिए पूर्ण रूप से स्वदेशी विकसित दवाई 2DG आज लॉन्च हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसे रिलीज किया और साथ में ये भी बताया कि फिलहाल ये किसको मिलेगी। सबसे पहले DRDO हॉस्पिटल, पैरामिलिट्री के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें, और जून के फर्स्ट वीक में जा कर के आम आदमी के लिए ये सभी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होने लगेगी। आम आदमी यही जानना चाहता है कि जो 2DGI है, जो पाउडर के शक्ल में है और पानी में घोल करके इसको पीना है, ये हमें कब मिलेगी, केमिस्ट के दुकान पे कब मिलेगी, हमारे इलाज के लिए हॉस्पिटल में कब मिलेगी। क्योंकि पिछले दिनों DRDO ने इसे जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर के विकसित किया था, तो काफ़ी इसकी सराहना हुई थी कि जो इस समय B1617 वेरिएंट है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ अटैक कर रहा है, वो हमारे सांसों पे कर रहा है, हमारे फेफड़े पे कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन यदि समय से नहीं मिल रहा है तो आदमी दम तोड़ दे रहा है। तो एक तो ये ऑक्सीजन की कमी न होने देने को भी मेंटेन करता है ये पाउडर, और दूसरा क्या है, रिकवरी में ये मदद करता है। एक तरह से आप इसे सहायक दवाई के रूप में लीजिए, लेकिन ये रामबाण है। जो दवाई चल रही है उसके सहायक के रूप में इसे दी जाएगी और आपकी रिकवरी ये तेज़ी से कराता है, इसकी खासियत यही है। और जो है पाउडर के शक्ल में है, लिया जाए पानी में घोल करके इसको पीना है। जो आम आदमी के जहन में सवाल उठता है कि होता क्या है कि जब कोई भी दवाई आती है, ख़ास तौर से कोरोना काल में, चाहे रेमडेसिविर हो या ब्लैक फंगस की दवाई आई हो, उसकी वो ब्लैक होने लग जा रही है और जितने होर्डिंग्स वाले हैं उसकी होर्डिंग करने लग जा रहे हैं, वो अपना एजेंट बना ले रहे हैं, वो 2800 की दवाई जो है 10,000, 20,000, 50,000 तक बेच रहे हैं। रेमडेसिविर में आपने देखा होगा। तो इसकी उपलब्धता कैसे होगी, तो इसकी उपलब्धता ऐसे होने वाली है कि आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको रिलीज किया है, ये सबसे पहले केंद्र सरकार के जो संस्थान है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स के अस्पतालों का मैंने जिक्र किया, DRDO के अस्पतालों का जिक्र किया, एम्स के अस्पताल का जिक्र किया, इन अस्पतालों को दी जाएगी। और इसके बाद से जो DRDO के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये जून के फर्स्ट वीक से जो है आम आदमी के लिए उपलब्ध हो जाएगी, सभी हॉस्पिटल को भेज दी जाएगी। यानी कि अभी मार्केट की वो बात नहीं कर रहे हैं, अभी कहाँ कर रहे हैं कि सभी हॉस्पिटल्स को सप्लाईज की सुनिश्चित कर दी जाएगी। यानी कि हॉस्पिटल्स को जाएगी और जहाँ वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो उनको देंगे। अब इसमें ये बात जैसे ही पता चलेगी केमिस्ट की दुकान पे कब आनी है, क्या इसको अपने हिसाब से भी लिया जा सकता है क्या, क्योंकि तमाम सारी दवाइयों के बारे में हो क्या रहा है इस कोरोना काल में, कि ये जो व्हाट्सएप है और जो मैसेजबाजी है उसमें हर कोई डॉक्टर बन जा रहा है। कौन सी दवाई किस स्टेज पर लेना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो दवाई जो है माइल्ड सिस्टम जो जिसमें सिम्टम्स है और मध्यम कैटेगरी के रोगियों के लिए ज़्यादा कारगर साबित हो रही है, और जो सीरियस है उनमें ऑक्सीजन की कमी वाले को दूर कर रही है। तो कहाँ कब कौन सी कैसे दवाई देनी है ये डॉक्टर ही तय करे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि मान लीजिए कि आप घर पे इलाज कर रहे हैं, आइसोलेट होकर के अपना इलाज करा रहे हैं, तो भी डॉक्टरी एडवाइस से ही सारी दवाइयाँ लेनी चाहिए। अदरवाइज तो फिर हर कोई डॉक्टर हो जाएगा, अपने हिसाब से करेगा तो उसका नुकसान भी होता है। तो इससे बचना है और ये दवाई आप तक बहुत जल्दी, यानी कि आप मान के चलिए कि आज 17 मई है और 1 जून से ये आ रही है सभी हॉस्पिटल्स में। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।